सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की बड़ी हैरान करने वाली ताज़ा खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की मेरठ एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश की मेरठ स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने एक युवक को 4 टाइमर बोतल बमों के साथ गिरफ्तार किया है। इन बमों का इस्तेमाल बड़ी प्लानिंग के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया जाता, लेकिन इससे पूर्व ही एसटीएफ की गिरफ्त में ये युवक आ चुका है। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार ने बताया है कि आरोपी पहले भी टाइमर बम बना चुका है, लेकिन इस समय वो अब स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में है। जानकारी के मुताबिक ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मेरठ एसटीएफ ने एक युवक को 4 टाइमर बमों के सहित गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर मेरठ से भी बम स्क्वाड बुलाकर इन सभी बमों को डिफ्यूज किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे, शुक्रवार सुबह मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने जावेद बताया है। उसके पास से ये 4 टाइमर बोतल बम बरामद किए गए हैं, जो कि उसने खुद ही मुजफ्फरनगर में बताए हैं। आरोपी जावेद से जब स्पेशल टास्क फोर्स ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये बम एक महिला ने ऑर्डर कर बनवाए हैं। इस समय स्पेशल टास्क फोर्स उस महिला की तलाश में जुटी है। आरोपी का कनेक्शन नेपाल से निकला है। नेपाल में उसका ननिहाल है। जावेद ने पटाखे और बम बनाने का ये तरीका अपने दादा से सीखा था, क्योंकि दादा के पास पटाखे बनाने का काम था। हालांकि वो मशीनों के बारे में उसे काफ़ी अच्छी जानकारी और नॉलेज थी, क्योंकि इससे पूर्व जावेद ने रेडियो ठीक करने का काम किया था। इस कारण उसको ये टाइमर बम बनाने की संपूर्ण नॉलेज थी, और ऐसा उसने ये बात पूरी तरह करवा ली है। फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो और एटीएस की टीमें भी जावेद से अब लगातार पूछताछ कर रही हैं। आखिरकार वो इन 4 टाइमर बमों का इस्तेमाल कहां करने जा रहा था, इसके पीछे किसका बड़ा हाथ है और कौन सी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था। हालांकि उसने पूछताछ में बताया कि एक महिला ने उनसे ऑर्डर करके ये बम बनवाए हैं और ये बम केवल उन्हीं को देने के लिए लेकर आया है। जैसे भी कोई और बड़ी जानकारी निकलेगी S24 न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन आप बताएं, आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से हैं, कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ, और साथ में हम आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर से अवगत कराते रहेंगे। एसटीएफ के सूत्रों से पता चला है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र के अंदर मिमलाना रोड के पास रहता है, जहां पर उन्होंने पूर्व में भी ये टाइमर बम बनाए हैं, और उनका इस्तेमाल कहां किया गया है और कहां किया जाना है, इसको लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पूछताछ कर रही है। जैसे ही कोई बड़ी जानकारी हासिल आएगी हम आप तक तुरंत पहुँचाएंगे। बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।